कहते हैं शराब का नशा हर किसी के सर चढ़कर बोलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो दो कदम आगे चलकर सूबे की सियासत पर हावी होता दिखाई दे रहा है और शराब पर सियासत के रास्ते चलकर सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तय करने का मसौदा बनाया है सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने। इसे लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ेगी। कांग्रेस के द्वारा आंदोलन छेड़ने की बात कहे ज्यादा देरी नहीं हुई थी कि इस पर नजरें गड़ाई बैठी भाजपा ने अपने सियासी तरकश से उस पर ऐसा तीर छोड़ा जिसके बारे में शायद ही कांग्रेस ने सोचा। मध्य प्रदेश में शराब का कारोबार बड़ी मात्रा में चल रहा है और अवैध कारोबार बड़ी मात्रा में चल रहा है। गांव गांव गली गली बड़ी बड़ी शराब की दुकानें खुल गई हैं और सरकार मुखदर्शक बनकर देख रही है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में समूचे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर काम करेगी और ये काम लगातार निरंतर प्रदेश भर में जारी रहेगा। एक मुहिम हमने इसको बनाई है और ये मुहिम पर कांग्रेस पार्टी काम करती रहेगी। अगर आप शराबबंदी अभियान चलाना चाहते हो तो पहले कांग्रेस के अंदर शराबबंदी कराओ। जिस प्रदेश समिति में इन्होंने प्रस्ताव पास किया उसमें आधे से अधिक नेता शराब पी के बैठे हुए थे। अब नशे में आपने शराबबंदी का प्रस्ताव पास कर लिया, अब उस पर प्रदेश की जनता कितना विश्वास करेगी। 60-70% कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो डेली ठेकेदार के यहाँ रजिस्टर्ड हैं, रोज पीते हैं। मैं यादव जी से ये कह रहा हूँ, पहले आप लोग शराब छोड़ दो, जी के आप अनुयायी हो, जब आप लोग छोड़ दोगे तो प्रदेश आपकी बात पर विश्वास करने लगेगा। ये मैंने उनको पत्र लिखा। काश शराब को लेकर मची एक खींचतान यही थम जाती, लेकिन भाजपा के इस पलटवार पर कांग्रेस और उग्र हो गई और उसने कर दिया भाजपा पर काउंटर अटैक। मदिरा पान करने वाले विजयन जी खुद अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को लेकर अरुण यादव जी को धन्यवाद देंगे कि उनके निर्णय से प्रेरित होकर मैंने खुद छोड़ी है। साफगोई के साथ कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी शराब पीते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी भी दूध की धुली नहीं है। वैसे कुछ नया नहीं है मध्य प्रदेश की सियासत में शराब को लेकर खड़ा हुआ संग्राम। दरअसल इससे पहले भी ये शराब सूबे की सियासत में विवाद की वजह बनती रही है। इससे पहले कब कब सामने आया ये मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले सरकार की नई आबकारी नीति विवादों की वजह बनी। इसे लेकर सरकार तमाम सामाजिक संगठनों के निशाने पर आई। भारी विरोध के चलते सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में शराबबंदी के मसले ने भी तूल पकड़ा। इस दौरान भी चौतरफा विरोध के चलते सरकार को झुकना पड़ा। जदयू नेता शरद यादव भी शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर ले चुके हैं। हाल ही में बिहार सरकार और केरल में कांग्रेस की सरकार ने शराब पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को शराब सियासी संजीवनी नजर आने लगी और शिवराज सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में विफल रही कांग्रेस को यह मुद्दा सत्ता का पहुंच मार्ग नजर आने लगा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस शराब के नशे में चूर लोगों और सत्ता के नशे में चूर भाजपा को अपने शराबबंदी अभियान के जरिए होश में ला पाएगी। IND24 के लिए भोपाल से कैमरामैन विपिन यादव के साथ सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खास खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सलमान खान। मध्य प्रदेश में इन दिनों शराब को लेकर सियासत अपने चरम पर है। अपनी आबकारी नीति को लेकर सूबे की जनता के साथ सामाजिक संगठनों के विरोध के बाद अब कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इस अभियान पर ही सवाल खड़े किए हैं, यानी कि क्या कुछ सवाल खड़े किए हैं, इस खास पेशकश में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और ज्यादा चर्चा के साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो चीफ सुनील श्रीवास्तव। सुनील, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस अभियान छेड़ने की बात कर रही है तो वहीं जो पूरी बात है वो उसी पाले में डाल दी है बीजेपी ने।
बिल्कुल सलमान, क्योंकि शराबबंदी की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने, क्योंकि चुनाव में घोषणा की थी, चुनावी घोषणा थी कि अगर नीतीश कुमार की सरकार आती है बिहार में तो वो पूरी तरीके से बिहार में शराबबंदी कर देंगे, और उसी को उन्होंने लागू किया है। अब यही स्थिति कांग्रेस मध्य प्रदेश में, कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से शराबबंदी हो, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि शराब के कारण हम अगर परिवारों के आंकड़े देखें या फिर अपराधों का ग्राफ देखें, लगातार कांग्रेस का आरोप यही रहा है कि आपराधिक घटनाएं कई ऐसी होती हैं जो शराब के नशे में होती हैं। शराब की लत के कारण युवा लगातार, चाहे हम चेन स्नेचिंग की बात करें या फिर लूटपाट की बात करें, राजधानी में भी इस प्रकार का ग्राफ बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का यही तर्क है कि शराब के कारण आपराध, जहां एक तरफ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां सामाजिक जो स्तर है, सामाजिकता जिस प्रकार से लगातार समाज में स्तर गिर रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, और युवाओं की जो सोच है वो विकृत हो रही है, तो इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में शराबबंदी कर देनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस अब पूरे इस मामले को लेकर लगातार एक अभियान चला रही है। अरुण यादव जबलपुर में भी इस बात का ऐलान कर चुके थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में शराबबंदी को लेकर लामबंद होगी, और प्रदेश में अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से आंदोलन चलाए जाएंगे, और राज्य सरकार को विवश किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करें। क्योंकि यहाँ पर हम अगर बात करें तो हाईकोर्ट में सामाजिक संगठनों द्वारा एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार मध्य प्रदेश में शराबबंदी करे, तो हालांकि वो याचिका खारिज हो गई है। उसके बावजूद अब राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस लगातार प्रयासरत है। कांग्रेस ने पिछले दिनों भोपाल में जो एमपी नगर जोन 2 है, वहां पर भी शराब दुकान के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया, लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कांग्रेस की राजधानी में चल रही है, और इस राजधानी की अगर हम बात करें तो दीप्ति सिंह इस पूरे मामले को लीड कर रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अलग स्तर पर, चाहे हम जबलपुर की बात करें, छतरपुर की बात करें और भिंड की बात करें, लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, और सरकार के सामने सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव है कि सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार के सामने दबाव आए और सरकार इस दबाव के आगे पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करे। तो कांग्रेस का फिलहाल यही अभियान है कि सरकार कैसे भी करे मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सुनील, अगर जिस तरह से बयानबाजी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बृजेंद्र सिंह सिसोदिया साहब ने साफ तौर से कह दिया है कि जो मीटिंग हुई है, समीक्षा बैठक हुई है प्रदेश कार्यालय में, उसमें 60-70% लोग शराब पिए हुए थे और शराब के पिए में ही ये पूरा फैसला लिया गया है। देखिए, बृजेंद्र सिंह सिसोदिया की अगर हम बात करें, उनके बयान की बात करें, तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयान है, क्योंकि इस प्रकार का अगर हम बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने कहा जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था, उस दौरान अधिकांशतः कांग्रेस के नेता और खुद प्रदेश अध्यक्ष शराब के नशे में थे, और नशे में लिया गया बयान है, नशे में उठाया गया कदम है, तो उस दौरान मीडिया भी वहाँ मौजूद था जब यहाँ पर निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार का एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक बयान है, क्योंकि शराब को लेकर जिस प्रकार से प्रतिदिन अखबारों में यहाँ पर सुर्खियाँ बने हैं, तमाम सामाजिक संगठनों का कांग्रेस को समर्थन मिला, तो बीजेपी जानती है कि अगर कांग्रेस को शराब के मामले में, क्योंकि एक शराब का मुद्दा ऐसा है कि जिसको लेकर चाहे महिलाएँ हों, युवा हों, कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा, तो बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो शराब से संजीवनी है वो कांग्रेस को मिले, और कांग्रेस सियासत में जिस प्रकार से कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, आरोप ये भी लगते रहे हैं कि जो सरकार है वो मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। अगर एक शराब की दुकान वैध है तो लगभग 10 दुकानें अवैध होती हैं। देखिए सलमान, सरकार की यहाँ अगर हम बात करें तो सरकार की मजबूरी यह है कि जो शराब से राजस्व प्राप्त होता है, सरकार का ये मानना है कि उस राजस्व का अगर शराबबंदी कर दी जाएगी मध्य प्रदेश में, तो उस राजस्व का नुकसान होगा, तो सरकार अपने लिहाज से सोच रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें या फिर सामाजिक संगठनों की बात करें, उनका लगातार यही कहना है कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो समाज में नैतिक पतन हो रहा है, समाज का स्तर गिर रहा है, लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी अगर शराब बंदी कर दी जाए, अपराधों में कमी आएगी, लोगों में जिस प्रकार से एक अपराध और खौफ का वातावरण है, शराब की दुकानों में जिस प्रकार से बाहर मजमा लगता है, कई बार हम देखते हैं राजधानी भोपाल में भी देखने को मिलता है आए दिन कि शराब की दुकानों के बाहर झगड़े होते हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, तो इन तमाम तरीकों से इन पर रोक लग सकती है। लेकिन अब यहां पर पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस की इस पूरी मुहिम पर बीजेपी ने एक राजनीतिक, एक कहा जाए बहुत तीखा प्रहार किया
लिया है और यह आरोप लगाया है कि जो निर्णय लिया गया है वो शराब के नशे में कांग्रेसियों ने लिया है। कांग्रेस के अधिकांश नेता शराब पीते हैं, शराब के ठेकों पर अधिकांश नेता कांग्रेस के रोज शाम को मिल जाएंगे। तो अब जिस प्रकार की शराब को लेकर कांग्रेस की तरफ से फिर प्रतिक्रिया आई, के मिश्रा ने खुद आरोप लगाया है कि विजेंद्र सिंह सिसोदिया खुद शराब पीते हैं और इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, तो कुल मिलाकर अब शराब को लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में संग्राम मचा हुआ है उसको लेकर दोनों दलों को सोचना पड़ेगा कि ब्लो द बेल्ट जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर समाज में कुछ बेहतर हो रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, चाहे रुकना चाहूंगा। फिलहाल रुकना एक ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी हम बात करते रहेंगे कि क्या कुछ सियासत चल रही है शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में।